नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने मकबूजा कश्मीर हैसियत बहाली करारदाद मंजूर कर ली। बीजेपी अरकान असम्बली की पीडीपी की पेश करारदाद की कॉपियां छीनने की कोशिश। सर्जेंट ऑफ आर्म्स ने हंगामा आरई करने वाले बीजेपी अरकान को बाहर निकाल दिया। अगस्त 2019 में भारत ने एकतरफा इकदाम से मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदल दी थी। मलेशिया में पाकिस्तान आने वाली परवास कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर फंस गई। 327 पाकिस्तानी पिछले 3 दिन से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। गैर मुल्की एयरलाइन को कुआलालंपुर से लाहौर आना था। लाहौर रात गए फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 1041 तक पहुंच गया। मोटरवे M2 M3 पर स्मोक की वजह से हद निगाह में कमी। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक आने वाले दिनों में स्मोक और धुंध में इजाफा मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। ट्रंप ने कहा कि अब तक 70 आलमी रहनुमाओं से बात हुई, अब तक रूसी सदर से बात नहीं हुई, लेकिन इरादा है। रूसी सदर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद। कहा कि रूस अमरीका के साथ काम करने के लिए तैयार है, बाल अमरीका के कोर्ट में है। ट्रंप की जानिब से रूस से ताल्लुक बहाल करने की ख्वाहिश पर तवज्जो देनी चाहिए। इसराइल के लबनान के वादी बेक और बालबक में 40 हमले। बैरूत पर इसराइली हमलों में 38 शहरी शहीद, 54 जख्मी हो गए। 2 रोज़ कबल हमले में मुनहदिम इमारत से 30 लाशें निकाल ली गईं। इसराइली हमलों में अब तक 3,050 लबनानी शहीद जबकि 13,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानब हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी तनसीबात मराकज को ड्रोन और मिजाइल हमलों से निशाना बनाने का दावा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज की खारजी दहशतगर्दों के साथ झड़प। शदीद फायरिंग का तबादला, 5 कवारी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। धरती के 4 सपूती वतन पर कुर्बान। शहीद होने वाले नायब सूबेदार ताइफ शाह का ताल्लुक टांग, लांस नायक गुलाब जमान और मुजम्मिल महमूद का ताल्लुक जिला कर्क और लांस नायक हबीबुल्लाह का ताल्लुक कजई से था। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज़ सादिक का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। गवर्नर सिंध का सिक्योरिटी अहलकारों की शहादत पर खराज अकीदत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। एक साल से कह रहा था कि ट्रंप की वापसी होगी, कॉल आ सकती है, दोस्त की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। मुशाहिद हुसैन सैयद की बोल न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। बोले कि ट्रंप पहला अमरीकी सदर है जिसने मसला कश्मीर पर साल इसका किरदार अदा करने का कहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल भी सामने आ गया। बोले के बाद अफराद का कहना है कि अमरीका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है कि बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जरूरत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने तो कॉल के साथ 5 अरब डॉलर की ऑफर से भी इनकार किया था, एटमी धमाका भी किया। ट्रंप हुकूमत आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ दरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा कि गजा में नस्ल कुशी बंद करने के लिए अक़वामे आलम का किरदार अदा करे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की भूख हड़ताल पर शदीद तशवीश, यासीन मलिक को सहूलत फराहम की जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।